जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 99 EC 31 के इलाके अयूबगढ़ में। यहाँ आए दिन जो है चोरी डकैती काफ़ी इजाफा हुआ है। इस वक्त भी हमारे साथ मुतासर लोग मौजूद है, लेकिन हमारी पुलिस अपनी रवायत बरकरार रखते हुए मौके पर नहीं पहुँच सकी, लेकिन हमारे रेंजर्स के जवान मौके पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मुतासर लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे डकैती की वारदात कैसी हुई है और इनके साथ पुलिस ने तावुन किया है या नहीं। भाई अभी हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे, एक मोबाइल खड़ी थी, वो चेकिंग कर रही थी, बाइक वगैरह सब चेक कर रहे थे। उसके बावजूद हमारी गाड़ी के पीछे बाइक लगी हुई थी, पहले उसने फायर मारा, ये निशान गाड़ी में है, ठीक है। उसके बाद फिर इस बाइक को जो है ना पिस्तौल इसके ऊपर रखा, इससे जो है ना पैसे वगैरह सब छीन लिए, मेरे से मोबाइल लेके गया। मेरा एक दूसरा कज़न था, वो आगे बैठो तो भाग गया। बाकी मेरे जो पैसे थे, पर्स में सामान था, वो सब 50-60 हज़ार रुपये लेके गए और 2 मोबाइल लेके गए। आपके साथ पुलिस वालों ने क्या ताउन किया है? पुलिस वालों ने ताउन किया, अभी तक मोबाइल आई नहीं, हमने 15 में भी कॉल किए। कितना टाइम हुआ आपसे? सिर्फ रेंजर्स पहुंच चुके हैं। हाँ, 8:30-8:30 बजे के टाइम भी हुआ रेंजर्स। सबसे पहले हमारे जवान रेंजर्स पहुंच गए यहाँ पे, उसने हमारे साथ अच्छा ताउन किया, अभी भी हमारे सेफ्टी के लिए खड़े। हम लोग अलासिफ से आ रहे थे, अयूबगढ़ पहुँच गए यहाँ पे, आगे वाले पीछे पुलिस वाले भी खड़े थे और चेक इन कर रहा था मोटरसाइकिल और बैग वाले को। हम लोग यहाँ थोड़े आगे आगे पुलिस डकैत लोग गाड़ी पे ऊपर फायर किया और अल्लाह ने हम लोगों को बचाया, और हमारे से तकरीबन 30 हज़ार रुपये थे और एक बड़ा मोबाइल एक छोटा मोबाइल वो भी लिया। और रेंजर वाले ने फिर भी मौके पे पहुंच गया और पुलिस वाला कम से कम 1 घंटे के बाद यहाँ पे अभी आ गया। उसका मामूल बन चुका है यहाँ, कल रात को यहाँ मोटरसाइकिल छीना है, परसों रात को भी यहाँ बंदी लूटा है, आज रात को इनके ऊपर फायरिंग भी हुआ है, लूटा भी, मगर ये रोज़ का मामूल बन चुका है। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, अभी 1.5 घंटा हो गया तो यही है, 1.5 घंटे के बाद हमारे जवान पहुंचे। जी जवान तो हमारा रेंजर्स जवान बहुत जल्दी पहुंचे और पुलिस अब तक गायब है। पुलिस इलाके में कितनी वारदात होती है? ये रोज़ का है, एक वारदात नहीं होते। देखो एक्शन अब तक किसी ने नहीं लिया, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। ये सामने घर है, 4-5 दिन पहले इसको मार दिया, जान से मार दिया बाबा को, डकैतों ने मारा। तो ये दरख्वास्त करते हैं पुलिस से भाई, इनके ख़िलाफ़ और कोई इदारे भी है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा लोगों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जब हमारे साथ वारदात होती थी, पुलिस के मोबाइल एक आगे खड़ी थी, जब वो लोगों की चेकिंग कर रहे थे, हमारी पुलिस अपना ये रवैया बरकरार रखते हुए 1.5 घंटे के बाद इस वाकये के बाद पहुँचे, लेकिन रेंजर्स के जवान मौके पर पहुँच चुके हैं। ये एक दिन नहीं, आए दिन यहाँ पर ये वाकयात होते रहते हैं, लेकिन हमारे पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। आवाम अब इनका जीना अब